वेलकम इन्वेस्टर्स, स्टॉक इन द न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डेली बेसिस पे हम विप्रो के स्टॉक को टेक्निकली यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये विप्रो का स्टॉक है और कुछ वीक से या कुछ दिनों से एक कंसोलिडेटेड ट्रेड करता हुआ यहाँ नजर आ रहा था। आज का जो ट्रेडिंग सेशन रहा उसमें इसने सबसे पहले तो एक हाई बनाया, जैसे कि विप्रो ओपन हुआ था 274 और इसने एक हाई बनाया 282 और एक लो भी बनाया 268 का और ये क्लोज हुआ है 271.30 पे। तो जैसे कि ये जो स्टॉक था ये अपने वीकली ट्रेंड लाइन के पास में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में जो कुछ भी हुआ है उसके चलते इस स्टॉक में जबरदस्त अभी डाउन ट्रेंड आने की पूरी पूरी संभावना है। ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है ये वीकली ट्रेंड से आता है। जैसे कि अब हम चलेंगे वीकली चार्ट पर और वहां पर देखेंगे, तो ये देखिए ये है वीकली चार्ट और वीकली चार्ट पर ये हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ था। और जैसे कि अभी हम चलते हैं डेली चार्ट पे जहां पर ये पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। डेली चार्ट पर देखिए ये कंसोलिडेटेड ट्रेड करते हुए जहां नजर आ रहा था वहां यहां पर ये जो येलो लाइन हमने ड्रॉ किया हुआ एक सपोर्ट लाइन है, जिस सपोर्ट लाइन के पास आने के बाद इस स्टॉक ने यहां से नीचे नहीं गया, नीचे क्लोजिंग नहीं दी, लेकिन आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ये सपोर्ट भी पूरी तरह से टूट जाएगा और ये स्टॉक नीचे की तरह ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। जैसे कि मैं वीकली चार्ट की बात कर रहा था, तो वीकली चार्ट में हम देखेंगे कि 1, 2, 3 और 4 वीक्स में जो वैल्यूम्स थे यहाँ पर वो वैल्यूम्स एक लो वैल्यूम्स थे ऐसा मैं कहूँगा यहाँ पर। लेकिन आज का जो वीकली जो स्टार्टिंग डे था, तो स्टार्टिंग डे में ही जो प्रीवियस वीक का जो वैल्यूम है उसका 50% वैल्यूम यहाँ पर अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला हुआ है। और इस स्टॉक ने आज जो क्लोजिंग दिया हुआ है वो वीकली ट्रेंड लाइन के नीचे दी हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी यहाँ पर अगर आपका कोई होल्ड पोजीशन है तो उस होल्ड पोजीशन से एग्जिट हो जाना ही ठीक रहेगा। क्योंकि अगर स्टॉक यहाँ से अगर डेली बेसिस में इस सपोर्ट लाइन से नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो यहाँ इसके पास 228 के पास तक इसे किसी प्रकार का डेली बेसिस पे डिमांड जोन नहीं है, तो ये स्टॉक 226 के प्राइस पे ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। तो आने वाले दिनों में ट्रेडिंग सेशन में आपका जो भी पोजीशन है उस पोजीशन को स्क्योर अप करके इस स्टॉक से एग्जिट हो जाना ही ठीक रहेगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।